Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this is my email ID and I am talking about teacher education. Earlier, I have discussed with you all the recommendations of Justice Verma Committee on Teacher Education, which has been published on August 2012. And this time I am going to discuss the most talked policy of the nation, National Education Policy 2020 on teacher education. Okay, so the lecture will be useful for you all, obviously. Let's start. Teacher education. Shikshak shiksha. Wo shiksha jisme hum shikshak tayyar karte hain. और शिक्षक हमारे समाज की धुरी हैं. कहा जाता है कि सोशल एजेंट हैं टीचर, क्योंकि वो सोशल चेंज ला सकते हैं. जो कुछ भी हासिल करता है कोई भी अपने अपने प्रोफेशन में, वो सब किसी ना किसी टीचर के शिष्य हैं, टीचर के स्टूडेंट हैं. इसलिए टीचर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि उतनी अब रह नहीं गई है समाज में जैसे पहले थी. काफी डिग्रेड हो गया है. तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सोचा है, कुछ इन्विजन किया है, कुछ दूरदृष्टि दिखाई है कि कैसे हम शिक्षक शिक्षा को अपने देश में सुधार सकते हैं. तो थोड़ा सा टीचर एजुकेशन के बारे में. इट इज वाइटल इन क्रिएटिंग ए पूल ऑफ स्कूल टीचर्स टू शेप द नेक्स्ट जनरेशन. ये बहुत जरूरी है कि हम विद्यालय स्तर पर जो शिक्षक तैयार कर रहे हैं उनको हम बढ़िया तैयार करें, जिससे कि हम नेक्स्ट जनरेशन को आकार दे सकें. कौन सा आकार? वो आकार जो हम उनको देना चाहते हैं. Teacher preparation is an activity that requires multidisciplinary perspectives and knowledge, the formation of dispositions and values, and the development of practice under the best mentors. शिक्षक शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, किस तरीके की एक्टिविटी है जिसमें जरूरत होती है कि हम बहुत मतलब बहु अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य से चीजों को देखें, ज्ञान को हम मूल्यों का निर्माण कर सकें. हम डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिस अंडर द बेस्ट मेंटर्स, बहुत बढ़िया जो बताने वाले हैं उनके अंडर हम बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस सीख सकें. टीचर्स मस्ट बी ग्राउंडेड इन इंडियन वैल्यूज. देखिए, जितनी एनईपी 2020 ने जितनी बात की है वो इंडियन इथॉस, इंडियन वैल्यूज. वो कह रही है हमको मॉडर्निटी को टच करना है, लेकिन हमको अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसी से समाज में एकदम ह्रास हो गया है मूल्यों का. लैंग्वेजेस, नॉलेज, इथॉस एंड ट्रेडिशंस, इंक्लूडिंग ट्राइबल ट्रेडिशंस. कह रहे हैं जनजातीय परंपराओं को भी मत छोड़िए. While also being well-versed in the latest advances in education and pedagogy. और इसके साथ साथ जो शिक्षा में, जो शिक्षण शास्त्र में एकदम नवीनतम एडवांसमेंट चल रहा है, हमको उसमें भी सुदृढ़ होना है. और हमको अपने जो पुरातन, हमारे जो हमारे शाश्वत, पुरातन न कहें, शाश्वत जो मूल्य है, भारतीय मूल्य है, उसको भी हमको, उसमें भी उसकी जड़ों को भी संभाल के रखना है. तो ये देखिए, आपसे इसीलिए मैंने जेएस वर्मा कमीशन, जस्टिस वर्मा कमेटी, सॉरी वर्मा कमीशन, जो मैंने आपसे डिस्कस किया. क्यों? क्योंकि इसकी पहली लाइन ही यही है. अकॉर्डिंग टू द जस्टिस जेएस वर्मा कमीशन विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया क्वालिटी एंड रेगुलेटरी परस्पेक्टिव टू स्ट्रेंथ. ये इसी जो पहली लाइन ही थी कि जस्टिस वर्मा कमीशन ने क्या कहा है टीचर एजुकेशन पे, इसीलिए मैंने सोचा आपसे कि पहले मैं जस्टिस वर्मा कमीशन आपसे डिस्कस करूंगी, तब मैं आपसे एनईपी 2020 डिस्कस करूंगी. क्योंकि जनरली ये जो जस्टिस वर्मा कमीशन है ये बहुत मतलब पॉपुलर नहीं है. वो लोग जानते होंगे जो टीचर एजुकेशन को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, बट इन जनरल इसको ज्यादा कोट नहीं किया जाता है. तो इसलिए मैंने पहले आपसे ये डिस्कस किया. और जस्टिस वर्मा कमीशन ने क्या क्या बताया था कि क्वालिटी हमको सुधारनी है, किसकी किसकी? प्री सर्विस, इन सर्विस टीचर एजुकेशन की. हमको टीचर परफॉर्मेंस और टीचर ऑडिट देखना है. हमको रेगुलेटरी फंक्शंस एनसीटी के स्ट्रेंथन करने हैं. ये इसमें लिखा हुआ है 2012 कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द जस्टिस जेएस वर्मा कमीशन अ मेजॉरिटी ऑफ. इतना समझिए, इतना तो जस्टिस वर्मा कमीशन के बारे में मैंने लिख दिया ताकि आप रिकॉल कर लें जो हमने पहले बात की. तो जैसा कि जस्टिस वर्मा कमीशन ने भी कहा था, ए मेजॉरिटी ऑफ स्टैंड अलोन्स ओवर 10,000 इन नंबर आर नॉट इवन अटेम्प्टिंग सीरियस टीचर एजुकेशन बट आर एसेंशियली सेलिंग डिग्रीज फॉर ए प्राइस. इन्होंने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी ये दोहरा रही है जो वर्मा कमीशन ने 2012 में दोहराया, कि जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है यानी कि जहां सिर्फ बीएड की पढ़ाई होती है, वो 10,000 से भी ज्यादा उनकी संख्या है, वो ना तो नॉट इवन अटेम्प्टिंग, वो प्रयास भी नहीं करते हैं कि वो शिक्षक शिक्षा को अच्छी तरीके से चला सकें, बट दे आर एसेंशियली सेलिंग डिग्रीज. बट वो निश्चित रूप से क्या कर रहे हैं? पैसा लेकर डिग्री बांट रहे हैं, यानी डिग्री बांटने की संस्थाएं बन गई हैं वो.
तो क्या किया जाए, रेगुलेटरी एफर्ट्स सो फार हैव नाइदर बीन एबल टू कर्ब द मैल प्रैक्टिसेस इन द सिस्टम नॉर इन्फोर्स बेसिक स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी एंड इन फैक्ट हैव हैड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कर्बिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सीलेंस एंड इनोवेशन इन द सेक्टर। वो कह रहे हैं कि अभी तक जितने रेगुलेटरी एफर्ट्स किए गए, मतलब रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए जो भी प्रयास किए गए, हैव बीन एबल टू कर्ब द मैल प्रैक्टिसेस इन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम में जो कुछ भी मैल, मानी मैल प्रैक्टिसेस, मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ना कु मतलब गलत जो प्रैक्टिसेस चल रही उनको रोकने के लिए किए गए, नॉट इन्फोर्स बेसिक स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी एंड इनफैक्ट हैव हैड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कर्बिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सीलेंस एंड इनोवेशन इन द सेक्टर। मतलब जो आपका सेक्टर है उसमें एक्सीलेंस को भी वो रोक रहा है, वो मेल प्रैक्टिसेस को भी रोक नहीं पाया, मतलब रेगुलेटरी एफर्ट्स ने अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। दी सेक्टर एंड इट्स रेगुलेटरी सिस्टम आर देयरफॉर इन अर्जेंट नीड ऑफ रिवाइटलाइजेशन थ्रू रेडिकल एक्शन। इसलिए कह रहे हैं कि रेगुलेटरी सिस्टम चूंकि पूरी तरीके से फेल हो चुका है, इसलिए अर्जेंट तुरंत जरूरत है कि हम रेडिकल एक्शन लें और इसको रिवाइटलाइज करें, मतलब पुनर्जीवित करें, टू रेज स्टैंडर्ड्स जिसमें हम मानक बढ़ा सकें, रीस्टोर इंटीग्रिटी अखंडता को सुनिश्चित कर सकें, जिसमें रीस्टोर इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, इफिकेसी एंड हाई क्वालिटी टू द टीचर एजुकेशन सिस्टम। यानी कि शिक्षक शिक्षा का जो निकाय है उसमें अखंडता, सत्यता, प्रभावपूर्णता और उच्च कोटि की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके, इसकी नितांत आवश्यकता है, ऐसा एनईपी 2020 ने भी कहा है। तो इसमें सारे पॉइंट्स वही हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल डॉक्यूमेंट में, कुछ भी मैंने कहीं और से नहीं लिया है क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा मैं उसको आपसे समझा सकूं आपको कि वो चाहता क्या है, कि शिक्षक शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए। तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एंड रीच द लेवल्स ऑफ इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी रिक्वायर्ड टू रीस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ द टीचर प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन, द रेगुलेटरी सिस्टम शैल बी एम्पावर्ड टू टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट सब स्टैंडर्ड एंड डिसफंक्शनल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दैट डू नॉट मीट बेसिक एजुकेशनल क्राइटेरिया आफ्टर गिविंग वन ईयर फॉर रेमेडी ऑफ द ब्रीचेस। वो कह रहा है कि अगर हमको अखंडता, सत्यता सुधारनी है, उसमें कुछ सुधार करना है कि ताकि हम जो खोया हुआ प्रेस्टीज है शिक्षक व्यवसाय का उसको हम सुधार सकें, तो रेगुलेटरी सिस्टम को हमको इतना सशक्त बनाना पड़ेगा कि वो तुरंत वो जो स्टैंडर्ड से नीचे काम कर रहे हैं, जो डिसफंक्शनल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उनको हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकें, जिनको एक साल का समय दिया गया उसके बावजूद उन्होंने अपना कुछ सुधारा नहीं है। बाई 2020 ओनली एजुकेशनली साउंड मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स शैल बी इनफोर्स। वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप जो एजुकेशनली साउंड है, जहाँ ढंग की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, जो बहुअनुशासनात्मक जहाँ पे डिसिप्लिन चल रहे हैं और इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ही चलेंगे, बाकी कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत स्थिति खराब है टीचर एजुकेशन की, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है। एज टीचर एजुकेशन रिक्वायर्स मल्टी डिसिप्लिनरी इनपुट्स एंड एजुकेशन इन हाई क्वालिटी कंटेंट एज वेल एज पेडागॉजी, ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स मस्ट बी कंडक्टेड विद इन कंपोजिट मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। अगर आपको जस्टिस वर्मा कमेटी याद होगी तो आपको याद होगा कि उसने भी यही कहा है कि स्टैंड अलोन को बंद कर दीजिए, मल्टी डिसिप्लिनरी चलाइए, ताकि मतलब हम शिक्षा एजुकेशन अपने आप में मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, तो उसमें हम फिलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स सब पढ़ते हैं ना, तो उसमें मतलब कि हम क्यों सिर्फ बीएड, मतलब वो इंटरैक्शन हो ना, साइंस का भी बच्चा वहाँ हो, आर्ट्स, बेसिक आर्ट्स का भी हो, हर तरीके के जितना ज्यादा से ज्यादा चल सके मल्टी डिसिप्लिनरी, उसमें आप बीएड की पढ़ाई कराइए। वो कह रहे हैं स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन अच्छा नहीं कर रहे हैं। टू दिस एंड ऑल मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस विल एम टू एस्टैब्लिश एजुकेशन डिपार्टमेंट्स। तो कह रहे हैं कि क्या करें कि जितने भी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस चल रहे हैं उनको अपने यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट खोल लें। Besides carrying out cutting edge research in various aspects of education, will also run BEd programs. तो क्या होगा कि जो मतलब ये प्रपोज होता है कि जब हम रिसर्च करने चले तो हम कटिंग एज रिसर्च, मतलब कि हर बहुविषयात्मक, बहुअनुशासनात्मक तरीके का शोध करें तो उससे बेहतर होगा। इन कोलेबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स सच एज साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, न्यूरो साइंस एंड इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स, म्यूजिक, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिकल एजुकेशन, साइंस एंड मैथमेटिक्स, सबके कोलेबोरेशन से, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा आप कोलेबोरेट करके रिसर्च करें वो बेहतर होगा। मोर ओवर ऑल स्टैंड अलोन TEIs, मतलब टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, विल बी रिक्वायर्ड
required to convert to multidisciplinary institutions by 2030. वो कह रहे हैं कि जितने स्टैंड अलोन चल रहे हैं वो 20 से 30, मतलब 2020 में पॉलिसी आई है, उसने कहा अगले 10 सालों में आप मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बन जाइए, सिंस दे विल हैव टू ऑफर द 4-year इंटीग्रेटेड टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम। और अब तो बात ही हो गई कि इंटीग्रेटेड टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम चलाया जाए। फिर द 4-year इंटीग्रेटेड बीएड ऑफर्ड बाय सच मल्टीडिसिप्लिनरी एचईआईज विल बाय 2030 बिकम द मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर स्कूल टीचर्स। वो कह रहे हैं कि 2030 तक स्कूली जो हम टीचर्स तैयार करते हैं, विद्यालयी शिक्षक जो तैयार कर रहे हैं, उनकी डिग्री का मिनिमम क्वालिफिकेशन यही होगा कि उन्होंने 4-year इंटीग्रेटेड बीएड किया है कि नहीं। द 4-year इंटीग्रेटेड बीएड विल बी अ ड्यूअल मेजर होलिस्टिक बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन एज वेल एज अ स्पेशलाइज्ड सच एज लैंग्वेज, हिस्ट्री, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वो कह रहे हैं कि मतलब 4-year इंटीग्रेटेड है ना, यानी हमको समेकित तरीके से चलाना है, जोड़ के पढ़ना है, तो कोई हम मेन विषय तो पढ़ेंगे ही जिसमें हमारा स्पेशलाइजेशन होगा, साथ में हम उसकी पेडागॉजी भी सीखेंगे। तो वो मेन विषय कोई भी हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, हिस्ट्री, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, कोई भी। Beyond the teaching of cutting edge pedagogy, the teacher education will include grounding in sociology, history, science, psychology, early childhood care and education, जिसको ECCE बोलते हैं, foundational literacy and numeracy, knowledge of India and its values, ethos, arts, traditions and more. मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा आप विषयों को जोड़ के पढ़ाएं। The HEI offering the 4-year integrated B.Ed may also run a 2-year B.Ed for students who have already received a bachelor's degree in a specialized subject. वो कह रहे हैं कि जो higher education, क्योंकि flexibility is the key term for the National Education Policy 2020. तो वो कह रहे हैं कि अगर आप, एक तो आपके पास option है कि आप 4-year integrated B.Ed दीजिए किसको, जो 12th pass out होगा, है ना। फिर क्या कह रहे हैं कि वो बच्चा, वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी, जिसको बैचलर डिग्री जो मिल चुकी है, वो क्या करे, उसको आप 2-year बीएड दीजिए, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन तो हासिल करके आया है लेकिन अब उसको बीएड करना चाहता है, तो वो सिर्फ पेडागॉजी पढ़ेगा। अ 1-year बीएड में ऑल्सो बी ऑफर्ड फॉर कैंडिडेट्स। वो कह रहे हैं कि 1-year बीएड का भी ऑप्शन रखिए, मतलब तीन तरीके से चलाइए, 4-year इंटीग्रेटेड बीएड फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, 2-year बीएड फॉर दोज हु, सॉरी, 4-year इंटीग्रेटेड बीएड फॉर दोज हु हैव जस्ट पास्ड secondary education means plus 2, 12th pass out, and 2-year B.Ed for students who have already completed their bachelor's degree, and 1-year B.Ed may also be offered for candidates who have received a 4-year undergraduate degree in a specialized subject. मतलब वो कह रहे हैं कि एक साल का B.Ed उनको पढ़ा दीजिए जो 4 साल का specialized subject में undergraduate degree हासिल करके आए हैं, तो चूंकि स्पेशलाइज डिग्री वो पहले हासिल कर चुके हैं तो 1 साल में वो पेडागॉजी सीख जाएंगे। मतलब कहने का, अगर आप एक बार में पढ़ते हैं तो आपका 4 साल लगेगा, नहीं तो हर बार 5-5 साल लगने हैं। मतलब अगर आप बीए करके, बीए, बीएससी, बीकॉम, एनीवन करके आए तो 2 साल का चलेगा, अगर आप पहले से स्पेशलाइज्ड होकर आए हैं तो 1 साल का, यानी कि 4-year इंटीग्रेटेड वाले में 1 साल बच रहा है आपका। Scholarships for meritorious students will be established for the purpose of attracting outstanding candidates to the 4-year, 2-year and 1-year B.Ed programs. यानी कि तीन तरीके जो उन्होंने प्रोग्राम्स की कल्पना की है कि इस तरह से चलाए जाएंगे, उनमें आप meritorious students के लिए scholarship भी रखिए जिससे कि आप बढ़िया students को attract कर सकें, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है। क्या कहा है? HEI is offering teacher education programs will ensure the availability of experts in education and related disciplines as well as specialized subjects. क्या होता है, हमारे यहाँ पॉलिसी आती है कि आपको ये ऑप्शनल पेपर है आपके पास, लेकिन हमारे पास चूंकि एक्सपर्ट ही नहीं है उस विषय का, तो हम क्या कह देते हैं कि ये ऑप्शनल है तो, बट आप केवल यही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसी का टीचर अवेलेबल है। तो ऐसा मत करिए, कहाँ आप ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों को, कहाँ आप फ्रीडम दे रहे हैं, कहाँ आप CBCS को फुल्ली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम नाम है और एक्चुअली वो सिर्फ क्रेडिट सिस्टम है, बिकॉज वी डू नॉट प्रोवाइड एनी चॉइसेस टू अवर स्टूडेंट्स। इसीलिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए कहा गया है कि आप ये श्योर कीजिए, इंश्योर कीजिए कि आपके पास उस विषय का विशेषज्ञ हो, ठीक है। Each higher education institution will have a network of government and private schools to work with, where potential teachers teach students along with participating in other activities such as community service, adult and vocational education, etc. वो कह रहे हैं कि जितने भी आपके HEIs हैं जहाँ पे टीचर ट्रेनिंग चल रही है, वो उनका एक नेटवर्क होना चाहिए गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों से, जहाँ पे वो अपने प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को भेज सकें, पोटेंशियल टीचर्स को, जहाँ वो पढ़ाएं, कुछ इनोवेशन करें, कुछ एक्सपेरिमेंट करें और कम्युनिटी सर्विस में भी इन्वॉल्व हो, मतलब एक्चुअल रियल वर्क प्लेस का उनको अनुभव हो सके।
In order to maintain uniform standards for teacher education, the admission to pre-service teacher preparation program shall be through suitable subject and aptitude tests conducted by the National Testing Agency, NTA, and shall be standardized, keeping in view the linguistic and cultural diversity of the country. वो कह रहे हैं कि भारत की जो साहित्यिक और भाषाई विविधता है उसको ध्यान में रखते हुए NTA को एक स्टैंडर्ड तरीके का एडमिशन प्रोसेस एडमिशन का टेस्ट बनाना होगा, जिससे कि आप एक तरीके मतलब एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, ये नहीं कि कहीं का बहुत सरल बन रहा है कहीं का बहुत कठिन है, इस तरह से नहीं होना चाहिए. फिर फैकल्टी प्रोफाइल इन डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन विल नेसेसरीली एम टू बी डाइवर्स बट टीचिंग फील्ड रिसर्च एक्सपीरियंस विल बी हाईली वैल्यूड. फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में पढ़ाने जा रहा है वो निश्चित रूप से डाइवर्स हो, उसका टीचिंग में फील्ड वर्क में रिसर्च एक्सपीरियंस में उसकी एक्सपर्टीज हो. फैकल्टी विद ट्रेनिंग इन एरियाज ऑफ सोशल साइंसेज दैट आर डायरेक्टली रिलेवेंट टू स्कूल एजुकेशन, मतलब जो विद्यालयी शिक्षा के लिए जो विषय जरूरी है सोशल साइंस के, जैसे साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बालक का विकास, मनोविज्ञान, लिंग्विस्टिक्स, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र सॉरी एंड पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज फ्रॉम साइंस एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, सोशल साइंस एजुकेशन एंड लैंग्वेज एजुकेशन प्रोग्राम्स विल बी अट्रैक्टेड एंड रिटेन्ड इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. वो कह रहे हैं कि हमको टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऐसे फैकल्टी को रोकना होगा जिनका इन विषयों में जैसे साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, लिंग्विस्टिक्स में एक्सपर्टीज हो, तो उससे क्या और विज्ञान के विषयों में भी इससे क्या होगा कि टू स्ट्रेंथन मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन ऑफ टीचर्स, जिससे कि हम कह सकेंगे कि हमारी जो फैकल्टी है वो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन में उसके पास एक्सपर्टीज है. ठीक है. फिर ऑल फ्रेश पीएचडी इंट्रेंट्स, वो लोग जो नए नए पीएचडी में एंटर किए हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन किसी भी अनुशासन के हों, विल बी रिक्वायर्ड टू टेक क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज इन टीचिंग एजुकेशन पेडागॉजी राइटिंग रिलेटेड टू देयर चोजन पीएचडी सब्जेक्ट ड्यूरिंग देयर डॉक्टरल ट्रेनिंग पीरियड. वो कह रहे हैं कि कोई भी विषय में आपने पीएचडी में एंट्रेंस लिया हो, आपको एक क्रेडिट बेस्ड कोर्स करना चाहिए टीचिंग में, एजुकेशन में या पेडागॉजी में. इससे क्या होगा, एक्सपोजर टू पेडागॉजिकल प्रैक्टिसेस. देखिए जो हायर एजुकेशन में आते हैं लोग उनके लिए कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ स्कूल टीचर्स के लिए ट्रेनिंग है. इसलिए कहा जा रहा है कि हायर एजुकेशन में आप पीएचडी में एंट्रेंस आपने लिया है, पीएचडी करने जा रहे हैं, तो आप किसी ना किसी विषय के शिक्षक बनेंगे, तो आप क्रेडिट बेस्ड कोर्स कर लीजिए जिससे आप थोड़ा सा आपको अवेयरनेस मिल जाए, एक्सपोजर मिल जाए कि पेडागॉजी क्या होती है, टीचिंग में क्या बढ़िया है, इवेल्युएशन कैसे किया जाता है, कम्युनिकेशन की क्या स्किल है. So on will be ensured since many research scholars will go on to become faculty or public representatives or communicators of their chosen disciplines. कई बात निकल गई ना. फिर पीएचडी स्टूडेंट्स विल आल्सो हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ एक्चुअल टीचिंग एक्सपीरियंस गैदर्ड थ्रू टीचिंग असिस्टेंटशिप्स एंड अदर मींस. देखिए ये सब नई बातें हैं, ये पहले कभी नहीं कही गई हैं. वो कह रहा है कि पीएचडी स्टूडेंट को आप थोड़े घंटों का मिनिमम नंबर जो भी वो सेट करेंगे टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बस आपने पीएचडी कर ली और तुरंत आपका मतलब जो यूजीसी ने मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है आप टीचर बन जाते हैं और अगले दिन आपको जैसे ही बनते हैं आपको एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन फेस करनी होती है जो कि आपने कभी फेस नहीं किए. तो बीएड वालों के संग तो फायदा है बिकॉज वो ये कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो आप पीएचडी में ये सब कर लीजिए, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है. फिर क्या कह रहे हैं, service continuous professional development for college and university teachers will continue through the existing institutional arrangements and ongoing initiatives. These will be strengthened and substantially expanded to meet the needs of enriched teaching learning process for quality education. जो इन सर्विस मतलब कि जो सर्विस में आ गया, जो सेवारत है, जिसको लगातार प्रोफेशनली डेवलप होते रहना है, उनसे कह रहे हैं कि आप अपनी अपने आप को स्ट्रेंथन कीजिए जिससे आप क्वालिटी एजुकेशन दे सकें. तो इसके लिए आप टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्वयं प्लेटफॉर्म है, दीक्षा है जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है टीचर्स की. वी इनकरेज सो दैट स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम प्रशिक्षित कर सकें. तो उसमें क्या होगा, ऑनलाइन में बहुत सारे लोग एक साथ कर सकते हैं, फेस टू फेस में आपको पूरा उसके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और वो क्या कह रहे हैं, ए नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग शैल बी एस्टैब्लिश्ड विद अ लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग सीनियर रिक्वायर्ड फैकल्टी, रिटायर्ड फैकल्टी होना चाहिए था, सॉरी रिटायर्ड फैकल्टी है, इंक्लूडिंग दोज विद द एबिलिटी टू टीच इन इंडियन लैंग्वेजेस हु वुड बी विलिंग टू प्रोवाइड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेंटरिंग प्रोफेशनल सपोर्ट टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स. ये देखिए NMM नया है ये कंसेप्ट, ये आज से पहले नहीं कहा गया है.
वो कह रहे हैं एक नेशनल मिशन बना लीजिए मेंटरिंग के लिए, जिसमें कि आप जो बहुत बढ़िया टीचर्स हैं, जो सीनियर टीचर्स हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं और जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो भारतीय भाषाओं में सिखा सकते हैं और जो विलिंग भी हैं, इच्छुक भी हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेंटरिंग हम देंगे, प्रोफेशनल सपोर्ट देंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स को, वो जरूर होना चाहिए, बिकॉज एक्सपीरियंस से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। तो कोई आउटस्टैंडिंग अगर ऐसा फैकल्टी है जो रिटायर भी हो गया है, उसकी सेवाएं ली जा सकती हैं। इतना ही बस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षक शिक्षा के लिए कहा है, बट आप समझ सकते हैं कि ये जो भी पॉइंट्स हैं उनको 3 साल हो गए और हम अभी भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक एक पॉइंट में इतना बल है, 4 साल का बीएड, 2 साल का बीएड, 1 साल का बीएड, तो सबके लिए सिलेबस बनाना, करिकुलम बनाना, कैसे वो इंटीग्रेट किया जाएगा, कौन कौन से विषय ऑफर किए जाएंगे, कैसे आप फैकल्टी की क्या आप मिनिमम क्वालिफिकेशन रखेंगे, उसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत बात हो रही है मल्टी डिसिप्लिनरी की आजकल, है ना। तो ये सब कुछ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो कहा शिक्षक शिक्षा में। मैंने एनईपी को हायर एजुकेशन के लिए डिस्कस कर लिया है, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए किया है, और टीचर एजुकेशन रह गया तो और भी कुछ के लिए किया है, याद नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके। तो टीचर एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट इसका आस्पेक्ट है जो मुझसे छूट गया था, तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूं, इसीलिए मैंने पहले जस्टिस वर्मा कमीशन को आपसे डिस्कस किया, देन मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे आई हूं। ओके, so go through it, learn it, embrace it. So I have completed this very topic too. Thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.